बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है और मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी और बड़ी स्पाइसी रेसिपी जो है वो शेयर करने लगा हूँ। मैं आज आपको नैंडर स्टाइल हॉट सॉस जो है वो बनाना सिखाऊंगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए और ये कैसे बनेगी, ये मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जनाब, नैंडो स्टाइल हॉट सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक अदद रेड बेल पेपर ली है, एक येलो बेल पेपर ले ली हमने, दो ग्रीन चिलीज हैं, ये मीडियम टू हॉट हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हैं बर्ड्स आई पेपर्स और स्कॉच बोनेट चिलीज। ये बहुत हॉट होती हैं। ये हमने तकरीबन 2.5 ली हैं। ये जो पेपर्स आप देख रहे हैं ये भी मीडियम टू हॉट हैं और ये स्वीट पेपर है, ये हमने एक ली है। उसके साथ एक अदद हमें चाहिए होगा प्याज। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, ये हम डालेंगे। 10 से 12 जबे जो है वो लहसुन के होंगे। आधा कप ऑलिव ऑयल चाहिए होगा। आप अगर चाहें तो इसमें कॉर्न ऑयल या वेजिटेबल कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। पेपरिका पाउडर 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हमने ली है काली मिर्च कोर्स वाली, लेमन जूस 1/2 कप, उसके अलावा नमक वो हमने लिया है 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने फ्रेश पार्सली के पत्ते लिए, 3 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, एंड इसमें हम 1.5 टेबलस्पून जो है वो ओरिगैनो डालेंगे। ये क्रश चिलीज हैं, ये मैंने 1.5 टेबलस्पून इधर रखी हैं। ये अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि 1 टीस्पून मैंने कॉर्न फ्लावर लिया है, क्योंकि जो नैंडो की सॉस है वो कॉर्न बेस है। हमने जो अपनी सॉस है उसको थिक नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगी, लेकिन उसका जो टेक्सचर हमें चाहिए होगा उसमें हम कॉर्न फ्लावर डालेंगे पानी में मिक्स करके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि नैंडो स्टाइल हॉट सॉस बनाने के लिए हमने जो हमारी वेजिटेबल जितनी भी थी, पेपर्स, ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज, अनियन, गार्लिक, हमने उनको रफली चॉप कर लिया। तो अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के तो ब्लेंड करेंगे। हो सकता है कि हमें 2 दफा इसको करना पड़े क्योंकि जो ब्लेंडर है वो इतना बड़ा नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। लेमन जूस इसमें डालेंगे, हाफ डाल लेते हैं क्योंकि हमने दोबारा उसको फिर करना है। पार्सली के जो पत्ते थे वो हम इसमें डाल देंगे, बाकी की चीजें अभी हम नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त, हम इसको ब्लेंड करके तो इसमें निकाल लेंगे ताकि हम बाकी का जो हमारा मटेरियल है उसको भी हम ब्लेंड कर लें। आप लोग इसको बना के रख सकते हैं एज एंड व्हेन, जब आपको जरूरत हो तो आप बारबेक्यू कर सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं, वैसे दम करके अपने हांडी में चिकन बनाए। इवन मैं इसको लैम्प पे ट्राई करने वाला हूँ, फिश पे, तो फिर वो रेसिपीज ऑफकोर्स आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो बाकी का मटेरियल इसमें डालते हैं, लेमन जूस जो है हमारा बाकी का सारा डाल दिया, वाइट विनेगर मेजर करके रखा हुआ ये भी चला गया। अच्छा, मुझे जो है वो इसका कोर्स टेक्सचर हो वो पसंद है। आप चाहें इसको बिल्कुल एकदम क्रीमी कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट नॉर्मल जो है वो उसमें सारी चीजें जो है दे क्वाइट कोर्स। क्योंकि मेरी मशीन छोटी है तो इसलिए मैं 2-3 मरतबा करना पड़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो मटेरियल है सॉस का वो एक जैसा हो जाना चाहिए। अब इस स्टेज पे आके तो इसमें हमने ये जो पेपरिका पाउडर है ये डाल देना, ब्लैक पेपर्स चले जाएंगे, सॉल्ट एंड ओरिगैनो। जो कॉर्न स्टार्च है वो अभी हम नहीं डालेंगे, वो जब हम इसको पकाएंगे तो तब उसमें कॉर्न स्टार्च हो जाएगी। हमारा जो रिक्वायर्ड टेक्सचर है वो हो गया, पैन हमने अपना चूल्हे पे चढ़ा लिया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, पहले ऑलमोस्ट अबाउट 1/2 कप, और ये जो सॉस हमने ब्लेंड की है इसको हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। अभी बस हमने अपना सारा मटेरियल जो है वो उसको शिफ्ट कर दिया था अपने पैन में, और आप देख सकते हैं कि बबल आने शुरू हो गए। इसको हम तकरीबन 10-15 मिनट जो है पकाएंगे,
और इसको थिक कर लेंगे। पकने के बाद अभी भी इसकी खुशबू जो है बड़ी जबरदस्त आ रही है। तो इस स्टेज पे तो ये जो कोल्ड साज थी वो ब्लेंडर में मैंने डाल के पानी के साथ तो उसको मिक्स करके रख लिया था। तो अब इसको स्लोली इसके अंदर डाल देंगे, साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे क्योंकि हमने इसको एकदम थिक नहीं करना। आप देख सकते हैं कि पहले ही थिक है, इसका सिर्फ जो टेक्सचर है वो थोड़ा क्रीमी हो जाए। इस वजह से हम इसमें जो कॉर्न स्टार्च है हमने एक टीस्पून डाला। इसको हिलाते रहे साथ साथ ताकि इसमें लम्स ना भी बन जाए। और ये भी ध्यान में रखें कि जब हम चूल्हा इसका फ्लेम जो है वो ऑफ करेंगे तो फिर भी ये पकती रहती है, जब तक ये ठंडी हो जाएगी तो ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। खुशबू बड़ी जबरदस्त है और जो टेस्ट है मैं आपको क्या बताऊं। तो चलिए अब हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ करते हैं। व्यूअर्स, इसको ठंडा होते हुए तकरीबन हाफ एन आवर हो गया और बहुत जबरदस्त इसका टेक्सचर भी, टेस्ट भी और खुशबू भी। तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं और साथ में आपको ये बताता चलूं कि हमें जो क्रश चिली थी वो डालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो हमारी स्कॉच बोनेट्स या बर्ड्स आई चिली थी वो बहुत ज्यादा हॉट है। बी वेरी केयरफुल जब उसको हाथ लगाएं तो आप ग्लव्स पहन के, तो फिर वरना वो बहुत ज्यादा बर्निंग आपकी स्किन पे देगा। मेंडो स्टाइल हॉट सॉस बहुत ही कम वक्त में हमने बड़ी आसानी से बना लिया, सुपर इजी। आप इसको बना के प्रिजर्व कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ आप इसको 6 से 8 वीक फ्रिज में रखें और इसको मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या आम इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। बच्चे और बड़े सबकी पसंद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है आप इसको करें लाइक, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।